हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में SOF मींस साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा आयोजित IEO मींस इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के क्लास 5th प्रीवियस ईयर सेशन 2021 टू 2022 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें एग्जाम्पल बताया है, ये पोर्शन जो कहलाता है वो कहलाता है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन को हमें करना है और फिल करना है ब्लैंक को। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तहत बताया गया कि आई एम सो एग्जॉस्टेड एज आई वेंट रनिंग टूडे, टूमोरो आई विल नीड ए रेस्ट। तो एग्जॉस्टेड इसका राइट आंसर होगा और जो कि इसमें फिल किया जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे के 1 से लेके 22 तक क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो शुरू करिए, पहला क्वेश्चन है कैन डिस्क्लोज द, कैन ने डिस्क्लोज की, क्या डिस्क्लोज की टू हिज मैनेजर, अपने मैनेजर से। तो इसमें ऑप्शन ए इन्फॉर्म, ऑप्शन बी इन्फॉर्मेटिव, ऑप्शन सी इन्फॉर्मेटिवली, ऑप्शन डी इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। माई ग्रैंड मदर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस दैट हेल्प मी ए लॉट। यानी मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे क्या दी, एडवाइस थी जो कि मेरे काम की थी बहुत ज़्यादा, जिसने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर होगा यूजफुल, क्या होगा यूजफुल। तो इसमें जो एडजेक्टिव होगा वो यूजफुल प्रयोग होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आई एम गोइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सो प्लीज लिसन लिसन केयरफुली। यहाँ पर होगा लिसन केयरफुली, यानी एडवर्ब प्रयोग होगा इसमें केयरफुली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टिया एंड डेविड डोनेटेड हाफ ऑफ देयर सैलरी टू देयर फेवरेट। टिया और डेविड ने अपने वेतन की आधी अपने फेवरेट, फेवरेट क्या, चैरिटी। चैरिटी मींस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन पर्पस है रुपए, फूड और हेल्प, ऐसे लोगों की करना, ऐसे लोगों को फूड देना जिनको नीड है। तो इसमें आएगा चैरिटी। चैरिटी का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो होता है दान। अब दान पैसे का, रुपए का, खाने का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ईच प्लेट एंड बॉल इन द किचन, किचन में प्रत्येक प्लेट और बॉल हैज ऑन प्लेस इन द रैक, रैक में सब है। यानी ये इसमें जो है पजेसिव प्रोनाउन होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसमें आएगा इट्स। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आई एम सॉरी द मीटिंग विद द बॉस, मीटिंग टुक आई एक्सपेक्टेड, जितना मैंने सोचा था। तो इसमें ऑप्शन बी लॉन्गर देन आएगा क्योंकि आई एम सॉरी, मुझे दुख है कि मीटिंग बॉस के साथ जो है लंबी हो गई, जितनी कि मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा हो गई। तो ऑप्शन बी इसका आएगा लॉन्गर देन। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली एंड द वर्ड्स, हाँ वर्ड्स क्या कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ देखें तो यहाँ भी जो है एक्शन हो रहा है और उधर चिड़िया एक्शन कर रहे हैं। तो दोनों जो बनेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेंगे और टेंस होगा प्रेजेंट का। तो इसमें आर सिंगिंग वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आर सिंगिंग मेलोडियसली। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आई डैश
गो टू पार्क विद माई सिस्टर टू प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलने के लिए मैं अपनी बहन के साथ अक्सर जाता हूँ, ये मेरी आदत में है। तो उसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा और आएगा ओपन। क्या आएगा? ओपन। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई मेट, मैं मिला था वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अपने बचपन के दोस्तों से मिला था, कि आई वॉज वेटिंग फॉर द कैब, जो कि कैब का इंतजार कर रहे थे। तो इसमें जो कंजंक्शन जो है वाइल का प्रयोग होगा, क्योंकि वाइल डिस्क्राइब समथिंग दैट इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। यानी हाँ, अपने दोस्त से मैं मिला था जो कि इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर जो है एक ही समय में काम हो रहा है, तो इसमें जो है वाइल का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। द रिसोर्ट विल बी क्लोज, रिसोर्ट जो है बंद हो जाएगा द होल ऑफ मई। होल ऑफ मई यानी मई के पूरे मई में, तो ड्यूरिंग आएगा इसमें, मई के दौरान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 11 क्वेश्चन देखते हैं। यू डैश हरी, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच देयर, हमारे पास बहुत सारा समय है। तो जब हमारे पास ज़्यादा समय है तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो नीड नॉट हरी, हमको जल्दबाजी नहीं है, तो नीड नॉट आएगा, जो कि इज यूज टू शो, दिखाने के लिए कि कोई चीज़ आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद सॉरी 12 देखेंगे। रंजीत लाइक्स टू प्ले, रंजीत जो है खेलना पसंद करता है, क्या खेलना पसंद करता है? हॉकी। बट हिज ब्रदर जो है उसका भाई है वो क्रिकेट पसंद करता है। तो देखिए, जब हम इसमें कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स हैं, यहाँ क्रिकेट से पहले कोई नहीं है आर्टिकल, तो इसमें ऑप्शन डी इसका नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। द गार्डनर डैश द प्लांट्स, पौधों में एट द मोमेंट, इस समय जो माली है वो क्या कर रहा है? देखिए, जब हम बोल रहे हैं और देख रहे हैं कि काम चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। तो प्रेजेंट का मतलब है इज और कंटिन्यूस का मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म। तो इसमें होगा पानी जो है दे रहा है कौन? गार्डनर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 14 लेंगे। द बोर्ड मीटिंग हैज बीन टिल तक 22 दिसंबर, बोर्ड की जो मीटिंग है वो रद्द की जा चुकी है, तो इसमें पुट ऑफ होगा। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग, तो पुट ऑफ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। माई टीम एंड आई वर अपसेट, मेरी टीम और मैं जो है दोनों ही अपसेट थे, परेशान थे, वैन जब वी लॉस्ट द फाइनल मैच, जब हमने अपना मैच खो दिया, यानी दोनों। तो इसमें आएगा बोथ, बोथ जो कंजंक्शन है, तो इसका मतलब है इसका पेयर है बोथ और डॉट डॉट करके आता है एंड, ठीक है। और बोथ के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो प्लूरल की होती है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दोनों। दोनों मेरी टीम में और मैं दोनों ही अपसेट थे। क्वेश्चन नंबर 16 है। जैक सैट ब्लैंक द टैक्सी ड्राइवर एंड आई सैट बिसाइड मी, यानी जैक जो है बैठ गया टैक्सी ड्राइवर के पास, तो ऑप्शन सी बिहाइंड यानी टैक्सी ड्राइवर के पीछे बैठ गया, एंड आई सैट बिसाइड हिम और मैं टैक्सी ड्राइवर के पास बैठ गया। 17 देखते हैं। आई डैश ऑन इट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से, आई एम सो टायर्ड नाउ कि मैं अब जो है थक गया हूँ। तो इसमें जो है सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर फॉर हो और सिंस हो तो हैज बीन, और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, और हैव बीन और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग होता है।
इसमें आई है तो आई के साथ आएगा हैव बीन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मॉर्निंग, मैं जो है सुबह से क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी डैश लास्ट वीक पिछले सप्ताह आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद क्या हो गई, बी पास्ट अवे यानी इंतकाल हो गया, गुजर गई, उनका स्वर्गवास हो गया, पास्ट अवे का मतलब हो गया देवसान। नेक्स्ट देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 है द कपल इम्प्रेस्ड एवरीबडी व्हेन दे एट द पार्टी, यानी कपल ने हर किसी को इम्प्रेस किया जब वो क्या थे एट द पार्टी, तो इसमें आइडम आएगा ऑप्शन ए कट ए रग, कट ए रग का मतलब समझिए, इस आइडम का मतलब है टू डांस इन एन लिवली एंड एनर्जेटिक वे, ध्यान दीजिए कट आ रग का मतलब है टू डांस इन ए लिवली एंड इनर्जेटिक वे, यानी इस तरीके से डांस करना जो कि लिविंग हो और लाइवली हो और इनर्जेटिक वे में डांस किया, तो उन्होंने पार्टी में हर किसी को इम्प्रेस किया, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे लाइक टू प्ले वॉलीबॉल, वो वॉलीबॉल उनको खेलना पसंद है, क्योंकि ये जो टेंस है वो पॉजिटिव है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव है और हमें इसमें क्वेश्चन टैग बताना है, तो अब क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, तो इसमें आएगा डू, क्योंकि ये जो है प्लूरल है और इसमें हम लगाएंगे डू नॉट, तो ये हो जाएगा डोंट, और दे में आएगा डोंट दे, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, आवर कार वास, हमारी कार जो है डैमेज हो गई बाय, देखिए ये पैसिव वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है और बाय लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वी थर्ड यानी थर्ड फॉर्म आएगी, व्हेन वी वर गोइंग टू आगरा, जब हम आगरा जा रहे थे, तो इसमें ये फर्स्ट फॉर्म है नहीं आएगी, ये भी फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर है ये भी नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पैसिव में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू लर्निंग, द टीचर डैश मी व्हाट आई वाज लर्निंग, ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो इसमें द टीचर सेड टू को हम बदल देंगे और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा आस्क, टीचर ने मुझसे पूछा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ओके। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 देखते हैं, चूज द पार्ट द सेंटेंस दैट हैज एन एरर, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखेंगे एरर है कोई, इसमें फॉल्ट है राइट, तो 23 में देखेंगे वी गॉन टू द स्टोर टू बाई माई पेरेंट्स एनिवर्सरी गिफ्ट, देखिए वी और गोन को ही आप देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म होगी तो इसमें जो हैज हैव और हैड आएगा, ठीक है, तो हम जो है स्टोर गए थे, तो इसमें गए थे पास्ट को अगर हम बोलेंगे तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इसमें हैड आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए इसका जो है रॉन्ग है, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था तो आई स्लीप ए लॉट, तो मैं बहुत सोता था, व्हेन एवर जब कभी आई कुड कर सकता था, तो इसमें देखिए इसमें जो वर्ब है वो पास्ट की है और आगे जो वर्ब आई है ये फर्स्ट है, तो ये भी जो है सेकंड होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा स्लैप, तो इसमें ऑप्शन बी इसका इसमें एरर है और ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 25, 25 में करना क्या है, इंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग करना है राइट, तो 25 में व्हाट डू यू स्पेल द वर्ड दैट मींस अ थिंग विच इज एक्सट्रीमली फनी,
यानी वो चीज जो एक्सट्रीमली फनी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राइट, हिलेरियस, हिलेरियस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हाउ डू यू स्पेल द वर्ड, उस वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, दैट मीन्स टू रीसेटल, रीसेटल, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इमिग्रेट इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28। इंस्ट्रक्शन 27, 28 में क्या करना है, सिनोनिम्स करना है। 27 का है फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब है समथिंग दैट इज ऑकरिंग ऑफन, ओके। तो ऑप्शन ए अनयूजुअल, ऑप्शन बी ब्रोकन, तो इसका जो है ऑप्शन देखिए इधर का हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉमन, कॉमन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है रेस्पेक्ट, तो इसमें ऑप्शन ए रेवर इसका राइट आंसर होगा, जो कि हैविंग और शोइंग डीप रेस्पेक्ट फॉर समथिंग और समवन, किसी के चीज के लिए या किसी के लिए अगर हम गहरा सम्मान, ज्यादा सम्मान व्यक्त करें तो उसके लिए आता है रेवर। क्वेश्चन नंबर 29, 30 में क्या कहें देखेंगे हम, करेक्ट एंटोनिम देखेंगे। अम्यूजिंग का मतलब होता है, अम्यूजिंग का मतलब होता है, अम्यूजिंग मीन्स एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा रिपल्सिव। अब रिपल्सिव का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो कि अम्यूजिंग का उल्टा होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है रेडी, तुरंत, फास्ट, हरी अप, तो इसका उल्टा अर्ली, क्विक, लेटर, ऑप्शन डी इसका मतलब होता है लेटर, यानी बाद में। अब हम देखते हैं रीडिंग, रीडिंग में हम आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक आपको इस पैसेज को पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतना लीजिए और फिर इधर लीजिए, और आई होप आपको ये, आपने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये और पैसेज लिख कर लीजिए आप, राइट, मूव करते हैं आगे, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन है, व्हेन डिड रोनाल्ड डेल सर्व एज ए फाइटर पायलट, तो इसमें ऑप्शन ए है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, ऑप्शन सी है इन 1990, और ऑप्शन डी है नेवर, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक फॉर चिल्ड्रन रिटन बाय रोनाल्ड डेल, तो इसका 32 का जो ऑप्शन सी इसका होगा, ग्रेमलिन्स इसका राइट आंसर होगा। आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी न्यू वर्ड्स डिड रोनाल्ड डेल इन्वेंट, तो इसका ऑप्शन सी ओवर 250 वर्ड्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इंस्पायर्ड रोनाल्ड डेल टू राइट हिज थर्ड चिल्ड्रंस बुक, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हिज ड्रीम टू इन्वेंट अ न्यू चॉकलेट बार। 35 क्वेश्चन देखते हैं, स्वैपिंग, इस शब्द का स्वैपिंग का क्या मतलब है पैराग्राफ 3 में, तो पैराग्राफ 3 में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एक्सचेंजिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक फिर हम एक पैसेज को रीड करेंगे, और फिर उसके बाद हम इनके आंसर, क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप, यू हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैसेज, राइट, नाउ मूव, आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैसेज, नाउ मूव, सॉरी। अब हम ये पैसेज और है अभी सब सम पार्ट, ओके, नाउ मूव 36 क्वेश्चन टू 40 बेस्ड ऑन दिस पैसेज। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्प्स अस टू मेंटेन,
जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं, ऑप्शन ए स्ट्रेंथ में एंड विगर एनर्जी में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 37, फ्रॉम व्हाट डज द हेल्दी फूड कीप अस अवे। हेल्दी फूड जो है हमें किस चीज़ के लिए हमें दूर करता है, तो ऑप्शन इसका है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लॉन्ग टर्म इलनेस में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग नाउ, कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग अब जो है फेस कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ओबेसिटी यानी मोटापा। आपने जिस पैसेज को पढ़ा होगा आई होप आपको समझ में आया होगा। बाद में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सारे पैसेज की एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाउ कैन वी स्ट्राइव, हम किससे कोशिश करें ए लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ के लिए, तो 39 का जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बाय हैविंग हेल्दी फूड। आप जो है हेल्दी फूड लीजिए जिससे आप जो है एक लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ को आप जी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या रहेगा इस गिविन पैसेज का, तो ऑप्शन ए बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी फूड इसका जो है आपने जो पैसेज पढ़ा इसका बेस्ट सुटेबल टाइटल रहेगा, ऑप्शन ए। आप देखिए इसमें जो सेक्शन आया इसका है आप स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, तो क्वेश्चन नंबर 41 और कुछ से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक इसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन देखेंगे और कंप्लीट करेंगे इस कन्वर्सेशन को। रति, रति ने कहा कैन यू हियर समथिंग, आई गैस डैश इज नॉकिंग एट द डोर। राजू, नो आई कांट। तो मेरा मानना है कि इसका मतलब है कि संबंध, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संबंध जो है कोई है जो दरवाजे को खटखटा रहा है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन समवन इज यूज्ड फॉर ए पर्सन हु इज नॉट नोन बाय नेम। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ऋषभ, ऋषभ ने कहा क्या कहा कि डैश आई बोरो योर पेन प्लीज, आई लॉस्ट माइन। श्रुति, यस श्योर। तो ऑप्शन ए कैन आई बोरो, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ प्लीज, तो ये कैन इज यूज फॉर परमिशन, एक परमिशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ये मॉडल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। सुशील ने कहा हाउ डू यू लाइक द अपार्टमेंट। मोहन, आई लाइक द अपार्टमेंट, आई कैन सी समथिंग रॉन्ग विद इट। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी है कि आई लाइक अपार्टमेंट बट आई कैन सी समथिंग रॉन्ग विद इट, यानी इसमें जो है इंडिकेट कर रहा है कि कंट्रास्ट है और डिफरेंस है सेंटेंस में, यानी मैं लाइक भी करता हूँ लेकिन आई कैन सी समथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन कुछ इसके साथ प्रॉब्लम भी है, तो इसमें कंट्रास्ट जब होता है तो हम इसका वर्ड का प्रयोग करते हैं। पुलिसमैन ने क्या कहा, वर यू वैन द रॉबरी हैपेंड। ऑनर, यस आई वॉज। तो इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अराउंड, वर यू अराउंड व्हेन द रॉबरी हैपेंड, रॉबरी का मतलब है डकैती जब हुई तब आप कहाँ थे, तो वर यू अराउंड। ओके, तो 44 का होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कन्वर्सेशन का। अक्षय, हे यू लुक डैश, व्हाट्स ऑन योर माइंड। शुभम, द फाइनल एग्जाम आई हैव नॉट फुली प्रिपेयर्ड येट। तो इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कंसर्न, कंसर्न इसका राइट आंसर होगा। हे यू लुक कंसर्न, यानी कंसर्न का मतलब है एक तरह से चिंतित हैं, ये एडजेक्टिव है, तो अब तुम जो है कंसर्न है यानी चिंतित लग रही हो कि व्हाट इज ऑन योर माइंड, तुम्हारे माइंड में क्या है। सो द फाइनल एग्जाम आई हैव नॉट फुली प्रिपेयर्ड येट, मैंने अभी तक जो है पूरी तरीके से तैयारी नहीं की है, इसलिए मैं कंसर्न हूँ, चिंतित हूँ। आया अचीवर सेक्शन। इसमें मैंने पिछली वीडियो में शायद गलत बोला था कि इसमें जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क का होता है, लेकिन मैंने देखा इसका क्वेश्चन जो है प्रत्येक अचीवर सेक्शन का 3 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द फॉरेस्ट गार्ड्स पेट्रोल द पार्क।
पार्क्स डैश द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सेफ। तो 46 का इसमें ऑप्शन आएगा बीइंग एंश्योर्ड, दूसरा ऑप्शन होगा एंश्योर्ड, ऑप्शन सी होगा इंश्योर, ऑप्शन डी होगा हैविंग इंश्योर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एंश्योर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सिंस यू से इट विद कन्विक्शन आई वुड लाइक टू बिलीव यू। तो ऑप्शन बी सो मच इसका राइट आंसर होगा। सिंस यू से इट विद सो मच कन्विक्शन आई वुड लाइक टू बिलीव यू। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड फालासस का इसका सिनोनिम क्या होगा। तो फालासस का होगा डेलुसिव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा डेलुसिव। डेलुसिव मतलब क्या है डेलुसिव का? डेलुसिव का मतलब है कि समथिंग दैट इज फॉल्स और रॉन्ग, समथिंग दैट इज फॉल्स और रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 49 चूज द करेक्ट एंटोनिम बताना है इसमें किसका, इंडलजेंट। इंडलजेंट का मतलब है टू रिफ्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग, ठीक है, एंजॉय समथिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है एब्स्टेनिंग। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ये भी कन्वर्सेशन पर है। मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन, राम गैस हु आई द अदर डे माय ओल्ड टीचर। तो इसमें ऑप्शन ए रेन इनटू आएगा। रेन इनटू का मतलब है टू कम अपॉन अनएक्सपेक्टेडली और बाय चांस। गैस हु आई द अदर डे माय ओल्ड टीचर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो ये थे गाइज 2021 से लेके 2022 सेशन के IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड का सेट ए फॉर क्लास 5th क्लास के लिए। आई होप आपको वीडियो ये लाइक की होगी, कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।